ब्रिटेन में कोरोना के दो नए वेरिएंट की पहचान की गई है जो XBB और BQ1 है। न्यूज एजेंसी द इंडिपेंडेंट ने बताया कि वो इस नए वेरिएंट से अब तक देश भर में 700 से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार XBB और BQ1 दोनों ही अत्यधिक चालाक हैं और इम्यून सिस्टम पर सीधा हमला कर रहे हैं और संभावित रूप से इन दोनों वेरिएंट पर वर्तमान टीकों का भी कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। इस खबर से हड़कंप मचा हुआ है। द इंडिपेंडेंट ने बताया कि इन दोनों वेरिएंट से संक्रमित 700 से अधिक मामले BQ1 के हैं और साथ ही तथाकथित XBB वेरिएंट के 18 मामलों की पहचान की गई है। इन दोनों नए वेरिएंट को लेकर विशेषज्ञ चिंतित हैं कि इस तरह के सब वेरिएंट के झुंड नवंबर के अंत तक पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में एक ताजा कोविड लहर पैदा कर सकते हैं। ये दोनों वेरिएंट तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन के ही ग्रुप के वेरिएंट हो सकते हैं। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में बायोजेट्रम के कम्युनिकेशनल बायोलॉजिस्ट कार्नेलियस रोमर ने कहा है कि अभी हम जो कोरोना के प्रकारों को देख रहे हैं वो पहले की तुलना में काफी अलग दिख रहे हैं। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन शायद पहला प्रकार था जो प्रतिरक्षा से बचने में अच्छा था और यही कारण है कि ये इतनी बड़ी लहर का कारण बना था। अब पहली बार हम देखते हैं कि इसके कई प्रारूप हैं, कई प्रकार से उभर रहे हैं जिनमें म्यूटेट करने और प्रतिरक्षा से समानता है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।